होली मनाए जाने के पीछे यूं तो कई सारी अवधारणा और किस्से कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होली प्रेम का प्रतीक है, दुश्मन भी दोस्त बन जाए ऐसा होली का त्योहार है। कहते हैं होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने बेहद छोटी होती है। इसी से जुड़ी एक कहानी जो एक अत्याचारी राजा के अत्याचारों से जुड़ी है, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान मानता था और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहता था। लेकिन अपने अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप की आंखों पर तो जैसे मानो अभिमान की पट्टी बंधी थी, उसे अपने सिवाय किसी और की पूजा कतई बर्दाश्त नहीं थी, जिस कारण उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। लेकिन प्रहलाद पर भगवान विष्णु की कृपा थी, जिस वजह से भगवान विष्णु की कृपा से वो हमेशा जीवित बच जाते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद से अपने बेटे प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, जिसके बाद अपने अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप अपनी बहन को प्रहलाद के साथ आग की शैया पर बैठने के लिए कहता है, जिस कारण होलिका अपने भाई के कहे अनुसार प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद होलिका जलकर राख हो जाती है, वहीं प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो पाता और वो सकुशल उस आग से वापस लौट आते हैं। होलिका के साथ उसकी बुराई और अभिमान उस आग में जलकर राख हो गए। होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, इसीलिए वो आग में जल गई। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। खैर, होलिका के जल जाने के बाद हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया था। प्रहलाद पर वो बहुत नाराज हुआ, यहाँ तक कि उसने गर्म लोहे का एक खंभा तक तैयार किया और भक्त प्रहलाद को खंभे से लिपट जाने को कहा। भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस खंभे का आलिंगन कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से वो खंभा कुछ ही देर में शीतल पड़ गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उसने भक्त प्रहलाद को उसी खंभे से बांधने का आदेश दिया और मारने के लिए अपनी तलवार निकाली, उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला कि आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो उसे कहे कि वो तेरी रक्षा करने आए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, अचानक एक जोरदार का धमाका हुआ और खंभा फट के चूर चूर हो गया। उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका आधा भाग सिंह का और आधा भाग मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप की तलवार को तोड़ दिया और हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच बहुत देर तक युद्ध चला। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अभिमान सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो ना तो दिन में मर सकता है और ना ही रात में, ना जमीन पर ना आकाश में, ना पाताल में ना मनुष्य उसे मार सकता है, ना जानवर और ना ही पक्षी। इसीलिए भगवान ने उसे मारने का समय गौ धूली बेला को चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का यानी नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की, न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसका सीना चीरकर उसे मार दिया। इस तरह भगवान ने उसे दिए वरदान के बाहर न जाते हुए उसका अंत कर दिया और साबित कर दिया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।
आज भी भारतीय संस्कृति में होलिका की कथा का विशेष महत्व है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं प्रह्लाद की जन्मभूमि, जहां होली की असली रंगत देखने को मिलती है। प्रह्लाद सेवा संस्थान यहां हर साल धूमधाम से होली मनाता है। आज जो है, जैसे कि पूर्व में भी होता रहा है, उसी क्रम में होली रच महोत्सव के प्रारंभ से पहले जो यहाँ के अवतरण भगवान हैं, जो अवतरण रूप हैं, बारह भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, भक्त प्रह्लाद जी, उनके स्वरूपों की झांकी बना करके पूरे नगर में उनको घुमा करके और उनकी आरती पूजा हम सभी नगरवासी करते हैं, तो एक होली का जो महोत्सव है उसका एक आगाज भी हो जाता है, शुभारम्भ हो जाता है। और यहाँ आकर के पूरे नगर में घूमकर जो बाजार स्थित रामलीला मंच है, वहाँ पर आकर के सभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोगों ने आकर के अपने विचार व्यक्त किए और नगर के जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सब ने मिलकर के एक दूसरे को गुलाल लगा करके आज से होली इरच महोत्सव की शुरुआत कर दी है। आज शाम को बुंदेली भजन संध्या का कार्यक्रम है। ललितपुर से जो रामकिशोर मुखिया जी हैं, बड़े अच्छे बुंदेली कलाकार हैं, उनके द्वारा यहाँ रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। होली मतलब ईश्वर की होली, ईश्वर की होली। चूंकि जो भक्त प्रह्लाद थे तो उनकी जो बुआ जी थी उनका असली नाम डुंडा था, होलका का असली नाम डुंडा था। तो जो भक्त हिरण्य कश्यप की बहन जी थी जिनका नाम डुंडा था, तो कभी भी आप एक कोई भी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी राक्षसी के नाम कोई त्यौहार नहीं हुआ है। जो होली है तो केवल धार्मिक जो रहे हैं और उन्हीं के नाम कोई त्यौहार हुआ है। उनका असली नाम है डुंडा। वो डुंडा ने हमेशा होली पे बहन बेटियों को सबसे पहले इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उसका एक मेन कारण है यही है कि जो डुंडा जी थी उन्होंने अपनी चुनरी भक्त प्रह्लाद के ऊपर डाल दी थी, तभी सबसे पहले होली की पूजा होती है। होली की बाद में भी पूजा होती है। आप कोई भी आप वेद पुराण उठा लो, क्या राक्षसों की पूजा होती है? नहीं। इसीलिए उसका कई गलत धारणाएँ हैं जो लोगों के मन में कि होलिका एक राक्षसी थी, राक्षसी बहन थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने सबका सम्मान किया है। बहन बेटियों का कभी बुरा नहीं हुआ है, ना बहन बेटियों ने किसी का बुरा किया है। तो जो होली, तो उनका असली नाम होली इसीलिए पड़ा होली का नाम कि जो मैन एरस से स्टार्टिंग हुई है, यहीं पे उनका भक्त प्रह्लाद का जन्म हुआ है। उनके पिताजी हिरण्य कश्यप थे, तो उनका जो होलिका थी उनका असली नाम डंडा था। होली मीन्स होली का असली अर्थ यही है कि होली ईश्वर की होली। तो जैसा कि आपने देखा, प्रह्लाद की नगरी एरच में होली के पावन उत्सव की धूम, जिसे हर साल यहाँ प्रह्लाद सेवा संस्थान की ओर से मनाया जाता है। गरौठा झांसी से सुनील जैन की रिपोर्ट।